Good morning everyone, welcome back to my channel. I know बहुत long, बहुत समय बाद मैं vlog कर रहा हूँ because इतनी गर्मी है बाहर कि मुझे vlogging करना छोड़ो, बाहर जाना ही मुश्किल हो गया है. So I'm really sorry for that, vlogging बहुत मुश्किल हो गया है. So finally मैंने vlogging better करने के लिए I have bought two important things, that is LED light जो इस तरह दिखता है. So this will improve my video quality and as well as एक और important चीज़ लिया हूँ वो है motovlogging के लिए. So that is a GoPro 7 silver. This is how it looks, GoPro 7 silver. खास बात ये है कि इट्स अ 10 मेगापिक्सल कैमरा, शूट्स एट 4K और प्रीवियसली आई वाज यूजिंग द एसजे कैम 6 लेजेंड. तो आई वाज यूजिंग दिस एंड नाउ आई एम गोना यूज दिस. इसका अडैप्टर अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया है बट वेरी सून अडैप्टर ऑर्डर कर लूँगा. बाहर चलते हैं और इसे ट्राई करते हैं. राइट, सो हम आ गए नीचे. किस लिए हम आ गए नीचे? बिकॉज आई एम गोना शूट विथ GoPro 7. टेस्ट करता हूँ कि दिस इज़ द अल्टीमेट कैमरा फॉर मोटो ब्लॉगिंग एंड डेली व्लॉग्स. तो चेक करो, आप चेक करके बताओ कि कैसे लगता है. मैंने माइक अडाप्टर नहीं लगाया इसका, तो बहुत जल्दी माइक अडाप्टर आ जाएगा और आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत क्लियर से सुनाई देगी. वैसे बहुत गंदी हो गई है बाइक और आप कमेंट करके बताओ कि GoPro और इसके कैम में क्या डिफरेंस बता रहा है. वैसे अरे बाप रे, चलो हम निकल गए थे बाइक वॉशिंग के लिए एंड उसके बाद फ्यूल भरवाना था. फ्यूल भरवाने के टाइम पे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया. जी हाँ, नुकसान, मेरा 200 का नोट कम्प्लीटली फट चुका है. एंड और मैंने एक और बात रियलाइज की, बाइक राइड कर रहा था तो देखा कि कुछ लूज़ है, मतलब कुछ हिल रहा है. तो देखिए क्या नुकसान हुआ है. ये बोल्ट है ना जो होल्ड करता है, इसको निकल चुका है. पता नहीं किसने चोरी कर लिया होगा, किसको पसंद आ गया कि निकल गया है या तो लूज़ होके निकल गया है. इसको फिक्स कराते हैं जाके. लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि इतना क्राउड है यहाँ पे बिकॉज़ इट्स अ सैटरडे, बहुत क्राउड भर गया है. तो
आई होप जल्द से जल्द बाइक वॉश कराऊँ और गैराज जाके जो बोल्ट निकल गया है बोथ द साइड्स, आई थिंक यहाँ पे भी बोल्ट निकल गया है, आई डोंट थिंक सो विजिबल है बट बोथ द साइड्स निकल गया है। सो पहले बाइक वॉश कराते हैं उसके बाद लेट ऑन द गैराज। अगर माइक नहीं अटैच हो तो एक्सेप्ट